जाकिर नाइक पर धर्मांतरण के आरोपों में नया खुलासा हुआ है। जाकिर नाइक की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन 50,000 रुपए कैश देकर धर्म परिवर्तन कराती थी। इतना ही नहीं, जाकिर का फाउंडेशन धर्मांतरण के एक बड़े अड्डे के रूप में काम कर रहा था। जाकिर नाइक के फाउंडेशन पर 800 लोगों के धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगा है। आरोप है कि जाकिर का करीबी आरसी कुरैसी धर्मांतरण का काम करता था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जाकिर नाइक के भाषणों से प्रभावित होकर लोग जब IRF से धर्म परिवर्तन के लिए संपर्क करते थे, उस वक्त आरसी कुरैसी उन्हें मुंबई बुलाता था। वहीं आरसी कुरैसी का करीबी रिजवान उन्हें मुंबई से पहले पनवेल स्टेशन पर उतार लेता था। रिजवान मौलवी की तरह काम करता था, उनके ठहरने खाने पीने का इंतजाम करता था। साथ ही उनकी शादी और धर्मांतरण से जुड़े कागजातों के इंतजाम का जिम्मा भी रिजवान पर ही था। इसके बाद रिजवान इस पूरे काम का बिल आरसी को भेज देता था। आरसी जाकिर नाइक के फाउंडेशन से पेमेंट कराता था। इसके साथ ही एक और बड़ा खुलासा हुआ है कि धर्मांतरण के लिए जाकिर नाइक के फाउंडेशन को सऊदी अरब से फंडिंग होती थी। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या धर्मांतरण के बाद इन लोगों को IS में शामिल होने के लिए सीरिया भेजा जाता था। इन लोगों पर केरल की एक महिला का धर्म परिवर्तन कराकर ISIS के लिए सीरिया भेजने का आरोप है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।